अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं सहरी में ये चिकन मैक्रोनी बना रही हूँ और इस वक्त तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं बच्चों की फरमाइश, मेरे बच्चे चाह रहे थे चिकन मैक्रोनी आप बनाएं, तो मैं उसकी रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। देखिएगा व्यूवर्स, ये पानी बॉयल हो रहा है और इसमें मैं तकरीबन पूरा ही पैकेट मैक्रोनी का ऐड कर दूँगी और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी, ताकि आपस में चिपके ना। देखिएगा आप, मैं दो प्याज ब्राउन कर रही हूँ, मैं दो प्याज भी ऐड कर रही हूँ मैक्रोनी चिकन के लिए, और ये टमाटर ऐड कर रही हूँ, टमाटर इसमें ज़्यादा जाते हैं, और ये लहसुन और अदरक है, और ये मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है और चिकन है मेरी। तो ये व्यूवर देखिएगा, प्याज ब्राउन हो चुके हैं, मैं चिकन ऐड करूँगी। अब मैं चिकन को ब्राउन करूंगी, उसके बाद टमाटर ऐड करूंगी। ये देखिएगा व्यूवर्स, ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैं धनिया ऐड कर रही हूँ और लाल मिर्च तकरीबन ये भी 1.5 चम्मच ही जाएगी। और हल्दी 1 चम्मच आएगी इसके अंदर, और नमक हसबे जायका, ये चिकन मेरी ब्राउन हो रही है, ये हो जाए फिर मैं टमाटर वगैरह ऐड करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा, फिर टमाटर को भून के फिर मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूंगी चिकन के गलने के बाद। अब व्यूअर्स देखिएगा, ये ब्राउन हो चुकी है चिकन। अब मैं इसमें लहसुन अदरक ये जो है ये ऐड कर दूंगी, और ये टमाटर, ये सारे 6-7 टमाटर हैं ये सारे ऐड कर दूंगी इसके अंदर। अब इसी टमाटर में ही ये गल जाएगी चिकन, फिर मैं मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। ये देखिएगा, चम्मच के साथ भी खाते हैं, परांठा या रोटी के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन बनती बड़ी मज़ेदार है। फिर ये टमाटर वो पानी ड्राई हो जाए फिर मैं मैक्रोनी ऐड करूँगी, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिएगा व्यूवर्स, यहाँ पे मैं परांठे बना रही हूँ, सहरी का टाइम होने वाला है, बल्कि सहरी का टाइम होने वाला नहीं, सहरी का टाइम हो चुका है, तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है, और यहाँ मेरी चिकन ये बन रही है, बस ये चिकन गल जाएगी फिर मैक्रोनी ऐड करूँगी, और साथ में परांठे भी बना रही हूँ कि टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो ये जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। ये देखिएगा, मेरे बेटे को बड़ा बड़े परांठे पसंद है, इसलिए मैंने बड़ा बनाया, फुल साइज तवे के साइज का, फिर मम्मा मेरी बड़ा परांठा बनाया। व्यूवर्स ये तकरीबन पानी ड्राई होने वाला है, तो मैं इस स्टेज पे इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिएगा व्यूवर्स, मैं मैक्रोनी ऐड कर चुकी हूँ, ये मैं तेज आंच पे ही बना रही हूँ इसको। ये देखिएगा, थोड़ी सी मैक्रोनी मैं और ऐड करूंगी, फिर मैं आप सबको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूवर्स ये देखिएगा, इसका फाइनल लुक है ये, बहुत मज़ेदार बनी है, मैंने थोड़ी स्पाइसी बनाई है और अच्छी बनी है ये, आप सब भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि सहरी में आधा घंटा रह गया।